लोकसभा चुनावों की तैयारी, बीजेपी का सबसे बड़ा किला बचाना है। गुजरात में चल रहा है काला खेल, किसी भी कीमत पर जीतनी है 26 सीटें, ऑपरेशन ब्लैक कमल। नमस्कार। एक ऐसा वक्त जब पूरा देश पुलवामा की शहादत पर आंसू बहा रहा था, जब देश गमजदा था, तब भारतीय जनता पार्टी गुजरात में एक काला खेल रच रही थी। जी हां, रविवार को लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है, मगर इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही अंदाज में पहले से करनी शुरू कर दी है। आज हम ऑपरेशन ब्लैक कमल की तहों तक, जड़ तक पहुंचने वाले हैं, मगर आइए उससे पहले देखते हैं कार्यक्रम में क्या है खास। साम दाम दंड भेद से जारी है गुजरात में ऑपरेशन ब्लैक कमल। चुनाव आयोग बताए भारतीय जनता पार्टी के साथ खून माफ, और संबित पात्रा के बाद किसने कहा मोदी जी देश के पापा। इससे पहले कि हम रुख करें ऑपरेशन ब्लैक कमल का, कुछ सवाल जो आज हम चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं। 40 दिनों के आम चुनाव, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 चरणों के चुनाव, मध्य प्रदेश में चुनाव विधानसभा में एक दिन में हो गए थे, मगर यहां 4 चरणों में होंगे। और यही नहीं दोस्तों, चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, क्या वो दिशा निर्देश भारतीय जनता पार्टी पर लागू नहीं होते, इसके बारे में हम आपको बहुत विस्तार से आगे बताएंगे। मगर सबसे पहले हम आपके सामने रखने जा रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक कमल। जी हां, ऑपरेशन ब्लैक कमल का पर्दाफाश आप आज न्यूज चक्र में देखने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी से 2 एमएलए ने बीते शुक्रवार को इस्तीफा दिया, एक और तीसरा कांग्रेस का एमएलए, उससे भी भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया और अहमदाबाद की अखबार मिरर को उस आदमी ने बताया कि उसे 150 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। हमारा सवाल यह कि ये जो 2 अन्य एमएलए शामिल हुए हैं बीजेपी में, कहीं उन पर भी कृपा तो नहीं बरसी है? जी हां, क्या यह सवाल पूछा जाना जरूरी नहीं है? दोस्तों, सबसे पहले हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक कमल के मास्टरमाइंड। इस ब्लैक कमल के मास्टरमाइंड 3 हैं। सबसे पहले गौर कीजिए इस शख्स पर। यह हैं केंद्र में मंत्री और बीजेपी नेता मनसुख मंडाविया। इस ऑपरेशन में दूसरी कड़ी जुड़ती है गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा के साथ। और इसमें तीसरा शख्स यह है, ये शख्स जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुआ है और इसका नाम है कुंवरजी बवालिया। और इन तीनों की डोर अपने हाथों में थामे हुए सियासत के धुरंधर और वो शख्स जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना चाणक्य बताती है, अमित शाह। तो ये तो थे मास्टरमाइंड्स, मगर आपको ये जानना बेहद जरूरी कि आखिर ऑपरेशन ब्लैक कमल लॉन्च क्यों किया गया। आपको याद होगा कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार कर्नाटक में ऑपरेशन कमल चलाने की कोशिश की, कांग्रेस के और जेडीएस के एमएलए को तोड़ने की कोशिश की, मगर उसे सफलता नहीं मिली। मध्य प्रदेश में आपको याद होगा कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि हम चाहें तो 15 दिन में कमलनाथ की सरकार गिरा सकते हैं। कुछ इसी तरह का इंतजाम गुजरात में भी किया गया, ताकि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की न सिर्फ विधानसभा में ताकत को बढ़ाया जाए बल्कि कांग्रेस की जड़ों पर वार किया जाए, ताकि उसे 26 की 26 सीटें मिले। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि पुलवामा की शहादत को सियासत में भुनाने के बावजूद उसे गुजरात में वैसा फायदा नहीं मिल रहा था जिसके जरिए वो यहां पर क्लीन स्वीप कर सके, और यही वजह है कि ऑपरेशन ब्लैक कमल वहां पर लॉन्च किया गया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे काले खेल के पीछे की कहानी। सबसे पहले होती है यह मुलाकात। इस मुलाकात में मौजूद होते हैं ये 2 शख्स, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और साथ ही केंद्र में मंत्री और इसके मास्टरमाइंड मनसुख मंडाविया। इस मुलाकात में अमित शाह का संदेश स्पष्ट है, और वो संदेश क्या है?
वो संदेश यह है कि कांग्रेस का अकाउंट तक नहीं खुलना चाहिए गुजरात में, यहां पर स्कोर होना चाहिए 26-0 यानी कि 26 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और 0 कांग्रेस। तो जहां केंद्र में मंत्री मनसुख मंडाविया इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, वो अपने इस ऑपरेशन में शामिल करते हैं इस दूसरे शख्स को, गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा। और प्रदीप सिंह जाडेजा क्यों? क्योंकि वो गृह राज्य मंत्री हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज आती हैं, और इस ऑपरेशन में उन्हें शामिल करना था एक तीसरे शख्स को। इस शख्स का नाम है कुंवरजी बवालिया। ये वो शख्स है जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था कांग्रेस की तरफ से, यानी कि कुंवरजी बवालिया को कांग्रेस की नस नस की जानकारी थी, उसे वाकिफ था इस बात से वो कि कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा था, यानी कि ये तिकड़ी तैयार हो गई। मनसुख भाई, प्रदीप सिंह और कुंवर जी, ये तीनों इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड। ये ऑपरेशन इतनी बारीकी से रचा गया था, आपको अंदाजा इस बात से लग सकता है कि मिरर को भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने क्या कहा था। इस नेता ने कहा था कि हमने 12 विधायकों को शॉर्टलिस्ट किया था, ये लोग सुरेंद्रनगर, अमरेली, जामनगर, पाटन और बनासकांठा से थे। हमने सर्वे किया था और पाया था कि पुलवामा के बावजूद 8 सीट्स ऐसी थीं जहां हम हार सकते थे, इसीलिए शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक कमल। और अब दोस्तों गौर कीजिए इन चार शब्दों पर, साम, दाम, दंड और भेद। इन चारों शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था इस ऑपरेशन में। मैंने आपको क्या बताया, इस ऑपरेशन में शामिल थे गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा, उनके जरिए पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज कांग्रेस के तमाम एमएलएस की कुंडली तैयार कर रही थी। सही सुना आपने, इस कुंडली में क्या क्या होने वाला है वो आपको बताएंगे बाद में, मगर जामनगर से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने गुमनामी पर क्या बताया पहले आप ये सुनिए। उनका कहना था कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए हम कांग्रेस के एमएलए को मुंह मांगी कीमत दे सकते थे, मगर सियासत में खेल सिर्फ पैसे का नहीं होता है। जी हां, यहीं पर उनकी कुंडली जो है वो काम आती है। और इस कुंडली में क्या क्या जानकारी थी कि आखिर ये नेता किससे मिलते हैं, शादीशुदा होते हुए कहीं इनके अफेयर्स तो नहीं है, इनकी आर्थिक हैसियत क्या है, आखिर किन व्यापारियों के साथ इनके रिश्ते हैं। तो एक तरफ डॉजियर्स तैयार हो चुके थे, कुंडलियां तैयार हो चुकी थी, और दूसरी तरफ कांग्रेस का लचर नेतृत्व। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के नाक के नीचे ऑपरेशन हो रहा था, मगर कांग्रेस को इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। हम आपको एक बहुत ही हैरत में डाल देने वाली बात बताना चाहते हैं कि कांग्रेस की तरफ से 4 एमएलए चुने गए। इनका नाम है जवाहर चावड़ा। ये वो शख्स है जिसे जिम्मेदारी दी गई थी कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक की। 12 मार्च को अहमदाबाद में राहुल गांधी की एक रैली होनी है, इसकी जिम्मेदारी भी जवाहर चावड़ा को दी गई थी, मगर ये शख्स अचानक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। और न सिर्फ शामिल हो गया, शामिल होने के 24 घंटे बाद इन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट की शपथ भी दिलवा दी गई। जवाहर चावड़ा, कांग्रेस का ट्रस्टेड एमएलए, वो अब बीजेपी में मंत्री है। क्या कहेंगे आप, क्या ये गुजरात का मॉडल है, क्या ये देशभक्ति है, क्या ये वो पार्टी है जो हमें ज्ञान देती है कि साहब पुलवामा पर सियासत ना करो, क्योंकि जब पुलवामा पर देश आंसू बहा रहा था तब आप गुजरात के अंदर ऑपरेशन ब्लैक कमल रच रहे थे। यही नहीं दोस्तों, एक और एमएलए पुरुषोत्तम साबरिया, जो कि एक बड़े सिंचाई घोटाले में आरोपी हैं, जेल में हैं, उन्हें भी धमकाया गया था कि अगर तुम भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होगे तो तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ा दी जाएंगी। दोस्तों मिरर से कांग्रेस के एक और एमएलए ने बात की, और ये कांग्रेस का जो एमएलए है वो राष्ट्रीय तौर पर भी बहुत फेमस है, पिछड़ी जाति का एमएलए है। इसका ये कहना था कि उसे तो 150 करोड़ से ज्यादा की ऑफर की गई थी। इस नेता ने बाद में राहुल गांधी और अहमद पटेल से मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद उसने ये मन बनाया कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होगा। मगर मेरा सवाल यहां पर ये कि जब भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में, गुजरात में,
करोड़ों रुपए दे सकती है नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए, तो ये पैसे किसानों को, बेरोजगारों को, दलितों को, गरीबों को क्यों नहीं जा सकते? क्या आपने इस बात पर गौर किया है? पार्टी तोड़ने के लिए बीजेपी के पास ढेरों पैसा है, पुलवामा पर ये लोग सियासत करते हैं, मगर जब असली मुद्दे आते हैं तो उससे ये लोग मुंह मोड़ लेते हैं। दोस्तों यही बात नहीं, कांग्रेस की एक और दिक्कत है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि उसके कम से कम 19 ऐसे नेता हैं जिनमें कांग्रेस विधायक, नेता, पार्षद, पूर्व सांसद, पार्टी अध्यक्ष, ये तमाम लोग शामिल हैं जिनके बीजेपी नेताओं के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं, उन कॉरपोरेट्स के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं जिनके बीजेपी के साथ रिश्ते हैं। लिहाजा इन पर दबाव बनाना पार्टी के लिए बहुत आसान है। अब आप गौर कीजिए कि वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री दिलीप संघानी का क्या कहना है। दिलीप संघानी कहते हैं, मुझे खुशी है कि भेड़ों की तरह कांग्रेस विधायक हमारे पास आ रहे हैं। हमने कांग्रेस के हौसले को ध्वस्त कर दिया है और वो भी CWC की बैठक से पहले, राहुल गांधी की गुजरात यात्रा से ठीक पहले। उधर कांग्रेस जो है वो ये मानकर चल रही है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको गौर करना होगा उनके दो नेताओं के बयान पर। सबसे पहले राजीव साटव क्या कहते हैं। राजीव साटव ये कहते हैं कि गुजरात के विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी ऐसे हथकंडे अपनाती है, वो हमारे विधायकों को धमकाती है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करती है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले हमने 14 नेताओं को गवाया था, मगर कांग्रेस की सीट्स फिर भी दुगुनी हो गई थी। हम जानते हैं कि वो हमारे हौसलों को कुचलना चाहती है, मगर इससे हमारे कैडर में और भी ऊर्जा आ गई है। क्या कहते हैं अमित चावड़ा, ये भी आप देखिए। ये कांग्रेस के नेता हैं, ये कहते हैं कि ये बीजेपी का अंदाज है, हमारे 12 नेता लेकर उन्होंने कांग्रेस युक्त बीजेपी बना ली है। जिन लोगों को उन्होंने टिकट दी है उनमें से सिर्फ 3 जीते थे गुजरात के विधानसभा चुनावों में। जी हां, कुछ इस तरह से अंजाम दिया जा रहा है ऑपरेशन ब्लैक कमल को गुजरात में, वो भी जब पूरा देश पुलवामा की शहादत से गमजदा है। तो बताइए देशभक्त कौन? और अब बारी है न्यूज चक्र में हमारी इस दूसरी पेशकश। दोस्तों इस वक्त स्क्रीन पर आप चुनाव आयोग का एक लेटर देख रहे हैं। चुनाव आयोग इसमें सभी पार्टी से अपील कर रही है कि आप पुलवामा की शहादत को सियासत के लिए ना भुनाएं। पहला सवाल कि आखिर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पुलवामा की शहादत को भुना रही है, क्योंकि जिस दिन हमारे जवान शहीद हुए थे उसके अगले ही दिन अमित शाह वोट मांगने लगे थे। प्रधानमंत्री की चुरू में रैली, इस रैली में उनके पीछे मंच पर हमारे तमाम शहीदों की फोटो लगी हुई थी। और यह तस्वीर देखिए, इंडिया टुडे के हवाले से यह तस्वीर आई है, दक्षिणी दिल्ली में लाडो सराय की यह तस्वीर है। यहां पर आप देख सकते हैं इस बड़े से पोस्टर में अभिनंदन के चेहरे का इस्तेमाल किया गया है। तो मेरा सवाल यह है चुनाव आयोग से कि क्या आपने आंखें मूंद रखी हैं? क्या आपको यह हकीकत नहीं दिखाई दे रही है? हम आपसे यह भी यहां पर सवाल पूछना चाहते हैं कि जब राज्यसभा चुनाव से पहले, जिसमें अहमद पटेल चुन के आए थे, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा था कि वो कांग्रेस के जो MLAs हैं उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त भी चुनाव आयोग ने कोई कड़े तेवर नहीं अपनाए थे और ऑपरेशन ब्लैक कमल में भी वही चल रहा है। आखिर चुनाव आयोग अपनी आंखें कब खोलेगा? और अब बारी न्यूज चक्र में हमारी तीसरी प्रस्तुति की। संबित पात्रा के बाद किसने मोदी जी को बताया देश का पापा? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको फिर से सुनाना चाहूंगा कि आखिर संबित पात्रा और कन्हैया कुमार में जब न्यूज 18 के इस कार्यक्रम में बहस चल रही थी तो किस तरह संबित पात्रा ने मोदी जी को देश का पिताजी बता दिया था, ये कहा जाए बाप बता दिया था। हमारे अखिलेश भैया है तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप है, बाप है, बाप है। दोस्तों यह AIADMK के नेता और वहां पर मंत्री, और इनका नाम है KT राजेंद्र बालाजी। इनका यह कहना था कि मोदी हमारे डैडी हैं, मोदी देश के डैडी हैं। यानी कि संबित पात्रा का रोग इन्हें भी लग गया है। सवाल ये दोस्तों कि मोदी जी हम सब के लिए पिता तुल्य हैं। जी हां, कोई भी उम्र में बड़ा हो, बुजुर्ग हो, वो हमारे लिए पिता समान है। मगर कोई अगर हमें यह समझाए कि कोई शख्स आपका बाप है तो क्या आपको पसंद आएगा?
और शायद यही वजह है तो भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम चाटुकार नेताओं से हमारी अपील कि मोदी देश के सम्मानित नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, मगर देश के पिता नहीं हो सकते, देश के बाप तो कतई नहीं हो सकते। और जाते जाते हम आपको ये वीडियो दिखाना चाहेंगे जो बहुत जबरदस्त वायरल हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री उस शख्स की तारीफ कर रहे हैं जिन्होंने हाल ही में कैमराज के सामने, पुलिस के सामने अपने ही विधायक की जमकर जूतों से धुनाई की थी। देखिए, हमारी संसद में एक युवा जुझारू, सक्रिय और नम्रता और विवेक से भरे हुए इसी धरती की संतान हमारे सांसद श्रीमान शरद त्रिपाठी जी। नम्रता और विवेक से भरे हुए नम्रता और विवेक से भरे हुए श्रीमान शरद त्रिपाठी जी। तो न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत और आपसे मेरी अपील कि आप मेरे इस कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें और न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।